हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपोडा। तो आज हम पढ़ने वाले आर्थ्रोपोडा के बारे में। देखिए, ये फाइलम जो है सबसे बड़े, यानी कि सबसे ज़्यादा एनिमल जो है वो इसी फाइलम में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एनिमल कैसे आते हैं, देखिए हम अगर जहाँ बैठे हैं, कहीं भी आप रहिए, आप जिस भी एनवायरमेंट में रहते हैं, आप अगर अपने आस पास देखिए ना, तो सबसे ज़्यादा एनिमल जो आपको आस पास अपने दिखाई देंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो सबके सब आर्थ्रोपोडा के हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लें चींटी का, चींटी जो आपको दिखाई दे रही वो भी आर्थ्रोपोडा फाइलम के बिलोंग करती है। ठीक है, आपने देखा होगा घरों में मकड़ी के जाले लगे होते हैं ना, मकड़ी भी जो होती है आर्थ्रोपोडा ही फाइलम का ही होती है। मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम का ही है। मक्खी, ये भी आर्थ्रोपोडा फाइलम का है। अगर हम पानी की बात करें तो उसमें क्या होता है, क्रैब हो गया, या फिर हम बात करें प्रॉन की तो प्रॉन भी इसी आर्थ्रोपोडा का आता है। ठीक है, या फिर हम बात करें सिल्क वॉर्म की, मतलब बहुत सारी हमारे आसपास के जितने भी कीड़े मकोड़े दिखते हैं ना, मैक्सिमम आर्थ्रोपोडा के ही फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जितने भी फाइलम हम पढ़ने वाले हैं, उन सब फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम, यानी कि सबसे ज़्यादा एनिमल जिस फाइलम से आता है, वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम सीक्वेंस जैसे बना के रखे हैं, हम उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने वाले हैबिट और हैबिटेट के बारे में, यानी कि आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम है, उन जो एनिमल इसके अंदर आते हैं ना, उनका हैबिट क्या है, यानी कि उनकी आदतें क्या हैं, और उनका हैबिटेट क्या है, यानी कि उनका वास स्थान क्या है। ठीक है, तो हम जानेंगे कहाँ होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, तो ये पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है। हर जगह का मतलब है ये पानी में भी होता है, एयर में भी होता है, और लैंड में भी होता है। ठीक है, सभी जगह पर ये मौजूद होता है। दीज एनिमल्स इनहेबिट अ वेराइटी ऑफ इनहेबिटेट लाइक ओसन, फ्रेश वाटर, लैंड एंड एयर। यानी कि हर एक जगह, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये प्रेजेंट ना हो। ठीक है, हर जगह पर यह मौजूद ही होता है। फिर दूसरा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद जितने फाइलम पढ़ेंगे ना, सब में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, और धीरे धीरे जितने फाइलम बढ़ते जाएंगे ना, उनके अंदर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है और बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर देखेंगे जर्म लेयर, जर्म लेयर क्या होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। जितने भी फाइलम पढ़ेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। सिलोम कैसा होगा, सिलोम जो होता है वो कैसा होता है, ट्रू सिलोमेट में पाया जाता है, यानी कि ये यू सिलोमेट होता है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, उसके बीच में जो मेसोडर्म होता है ना, वहाँ पर कैविटी यानी खाली स्पेस पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि इनमें एनस और जो माउथ होता है, इन दोनों के लिए अलग अलग पोर होते हैं। ठीक है, और सिमेट्री कैसी होती है, तो सिमेट्री होगी बाइलेटरल सिमेट्री होगी। सेगमेंटेशन, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो अभी तक अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें ना, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एनलिडा के अंदर। ठीक है, एक तो फाइलम हमारा एनलिडा था, जिसके अंदर क्या था, हमने सेगमेंटेशन देखा था, यानी कि जिसमें कम्प्लीटली क्या था, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि अंदर और बाहर से बॉडी में क्या थे, ऐसे कट कट के निशान थे, ऐसे बॉडी लगे थे, ऊपर से बाहर से क्या टुकड़ों में डिवाइड है। सेम ऐसे ही क्या होता है, आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल होते हैं ना, उनमें भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सेगमेंटेशन की प्रोसेस है, यानी कि सेगमेंटेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, वो एक तो एनलिडा में होती है, दूसरी होती है आर्थ्रोपोडा के अंदर होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है। तो एनलिडा के बाद किसका याद रखना, ए से एनलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा। ठीक है, दोनों फाइलम आपको याद रखना है। अब बात करेंगे नोटोकॉर्ड की, तो ये तो एब्सेंट होगा, क्योंकि ये सबसे पहले किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कॉर्डेटा में, वो उसका स्पेशल करेक्टर है नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसका आर्थ्रोपोडा का। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की, यानी कि इसके जितने फंक्शन करता है मेटाबॉलिक, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इससे पहले जब हमने एनलिडा के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था। तो जाहिर सी बात है, एनलिडा के बाद ही आर्थ्रोपोडा था, तो इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का ही होगा। ठीक है, और कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलर, यानी कि सेल के बाहर इसमें डाइजेशन होता है, जैसे हम लोग की बॉडी के अंदर भी क्या होता है, सेल के बाहर होता है डाइजेशन। ठीक है, फिर दूसरा आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें ना, तो रेस्पायरेटरी जो ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले आर्थ्रोपोडा के अंदर ही देखने को मिले थे। किसके किसके थ्रू ये करेंगे, अब जाहिर सी बात है ये हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, एयर में भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनमें रेस्पायरेशन जो होता है, सेम प्रोसेस यानी कि सेम सिस्टम से तो होगा नहीं। अब जिन जो पानी में पाए जाएंगे उनमें कैसे होगा, गिल्स के द्वारा। तो गिल्स के द्वारा किस में होगा, जैसे प्रॉन, प्रॉन क्या होता है, झींगा मछली होता है ना, तो ये पानी में होता है। ठीक है, तो पानी में इसको सांस लेने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, गिल्स की जरूरत पड़ती है। गिल्स मतलब गलफड़े होते हैं। ठीक है, तो प्रॉन जो पानी में पाए जाएंगे, जितने भी एक्वेटिक ये होंगे आर्थ्रोपोडा, उनमें किसके द्वारा रेस्पिरेशन होगा, गिल्स के द्वारा होगा। और कुछ में होता है बुक गिल्स के द्वारा, जैसे लिमुलस,
ठीक है। लिमुलस क्या होता है, लिविंग फॉसल है, यानी कि जीवित जीवाश्म है। या जीवाश्म का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, जीवाश्म का मतलब ये होता है जिसके अंदर एक भी बार कोई भी डेवलपमेंट आपको देखने को ना मिले, ठीक है। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य पहले क्या थे, बंदर की तरह थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते कैसे बन गए, अब तो आप जान ही रहे मनुष्य किस तरह के हो गए। तो मनुष्यों में क्या हुआ, डेवलपमेंट देखने को मिला है, बट जो लिमुलस होता है वो जैसे का तैसा शुरू से अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये फॉसल है यानी कि जीवाश्म है, ये जीवित नहीं है। तो याद रखिए, जीवित जीवाश्म इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या अभी भी लिविंग बींग में आता है, बट ये एक जीवाश्म है, ठीक है। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बुक गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बुक गिल्स। तो याद रखिए कि लिमुलस जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लिमुलस का नाम याद रखिएगा, ये कैसा होता है, बुक गिल्स होता है, क्योंकि अभी तक इसमें बिल्कुल भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला। जैसा ये स्टार्टिंग में था वैसे का वैसा ही है, कोई भी जनरेशन इसमें मतलब कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है, लिमुलस के अंदर। फिर होता बुक लंग्स। अब बुक लंग्स के द्वारा किसमें होता है, देखिए यहाँ पर बुक गिल है, यहाँ पर बुक लंग्स है, याद रखिएगा। बुक गिल के द्वारा होता है लिमुलस में और बुक लंग्स के द्वारा होता है स्कॉर्पियन और स्पाइडर में। स्कॉर्पियन का मतलब हो जाता है बिच्छू और स्पाइडर का मतलब होता है ये क्या बोलते हैं, मकड़ी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिच्छू और जो मकड़ी होते हैं इनके अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है बुक लंग्स के द्वारा होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आता है ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा किसमें होता है, इंसेक्ट में होता है, ठीक है। फिलहाल ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिए गए थे, बट आपको ये जो बुक लंग है, बुक गिल्स है, ये सब इसका नाम दिया गया था, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, बाकी आप एग्जाम्पल ना याद की कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, बट आपको इतना याद होना चाहिए जो एक्वेटिक होते हैं उनमें गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। अब बुक लंग में किसके द्वारा होता है, जो मतलब एक तरह से देखा जाए एयर में रहते हैं उनमें हो सकता है, ठीक है। एयर का मतलब देखो, स्कॉर्पियन जो होता है, स्पाइडर जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अर्थ पे भी रहते हैं, एयर में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको नाम याद जरूर रखना कि बुक लंग्स के द्वारा होता है। बाकी जितने भी इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब में ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ठीक। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें ओपन होता है, किसमें क्लोज होता है, ठीक है। तो ट्रिक अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आर्थ्रोपोडा में वो ओपन टाइप का होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्लोज पढ़ते आ रहे हैं, क्लोज टाइप का सब में होता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में कैसा होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन है तो जाहिर सी बात, इनके बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड एक पाइप के अंदर बहता है ना, जिसको हम लोग आर्टरी और वेन कहते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ब्लड ऐसे पूरी कैविटी के अंदर क्या, तो पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी किसी नली के अंदर यहाँ ब्लड नहीं बहता है। फिर आता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन कैसा, थ्रो मालपीगन ट्यूब्स, वैसे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं इसमें एक्सक्रीशन के लिए, बट जो एनसीईआरटी में दिया गया मैं उतना ही आपको बताने वाली, क्योंकि उससे ज़्यादा बताना मतलब बेवकूफ़ी है, क्योंकि पेपर तो आपका एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो जो एक्सक्रीशन इसमें देखने को मिलता है वो मालपीगन ट्यूब्स के द्वारा होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मालपीगन ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें होता है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड पाई जाती है और नर्व रिंग पाई जाती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें, एनसीईआरटी में फिलहाल ये पॉइंट नहीं दिया गया, नर्वस सिस्टम के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट इसको मैंने ऐड कर दिया अलग से, क्योंकि जो हमारा सीक्वेंस है वो ना खराब हो, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें ना, वो तो सेक्सुअल टाइप का होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एनिमल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। दूसरी चीज़ क्या होता है, ये बाईसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, यानी कि ये बाई का मतलब मोनोसियस भी होते हैं और यूनि का मतलब डायोसियस भी होते हैं। बाईसेक्सुअल उन्हें कहते हैं जिनमें एनिमल मतलब ये क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल एक ही एनिमल के अंदर होते हैं, और यूनिसेक्सुअल मतलब होता है जैसे मेल फीमेल अलग अलग एनिमल के अंदर हो, ठीक है। तो इतनी सारी वेराइटी, यानी कि इतने सारे जानवर इसके अंदर आते हैं, इतने सारे जीव जंतु आ रहे हैं इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है सबके सब यूनिसेक्सुअल या सबके सब बाईसेक्सुअल तो हो नहीं सकते, तो दोनों तरह के इसमें देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। बट रिप्रोडक्शन जो होता सेक्सुअल टाइप का ही होता है, ठीक है। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो यूजुअली कैसा होता है, इंटरनल होता है। यूजुअली का मतलब हो गया अधिकतर जिसमें देखा जाए तो लगभग क्या, तो सबके सब इंटरनली फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इंटरनल का मतलब होता है बॉडी के अंदर होना फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें लार्वा पाया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लार्वा नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ होगा, डेवलपमेंट में मैंने क्या कर दिया, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं सही कर देती हूँ। तो इसको सही कर लिया मैंने। अब देखो डेवलपमेंट कैसा होगा, अब जाहिर सी बात है जिसमें लार्वा होगा तो उसमें तो इनडायरेक्ट होगा, और जिसमें लार्वा नहीं होगा उसमें कैसा होगा, डायरेक्ट टाइप का होगा, ठीक है। एग्जांपल के द्वारा इसको बताया नहीं गया किसमें किसमें कैसा होता, तो मैं इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी टाइम वेस्ट करने के लिए।
फिर आता है सेंसरी स्ट्रक्चर। अभी जो सेंसरी स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, एंटेनी पाया जाता है। एंटेनी मतलब आपने कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच भी अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। तो कॉकरोच के अपने अंदर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो आगे कुछ ऐसे होते हैं पतला से ऐसे स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं एंटेनी। ठीक है, तो ये सेंसरी होता है। ठीक है, इसको टच करो तो क्या हो जाती, समझ जाते कि हाँ कोई आस पास क्या कोई जीव है, वो इससे टच करने पर क्या हो जाते, समझ जाते। ठीक है, तो एंटेनी इनमें पाया जाता है। पहली चीज़ तो ये प्रॉन के अंदर भी एंटेनी होता है। ठीक है, आई इसकी आँखें जो होती है ना, ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह काम करती हैं। अब इनकी सिंपल आंखें भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी आंखें हो सकती हैं। और कुछ जीवों में क्या होती है, दोनों आंखें पाई जाती है। जैसे आपने मक्खी देखा होगा, मक्खी में कैसी आंखें होती है, कंपाउंड आंखें होती है। ठीक है, फिलहाल आपको मक्खी की आंखें दिखाई तो नहीं देंगी क्योंकि इतनी छोटी होती है मक्खी, लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं उसकी आंखें कैसी होती, कंपाउंड आंखें होती है। ठीक है, तो सेंसरी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है, एंटनी होता है, आई होता है, वो भी किस तरह की आई, सिंपल आई भी हो सकती है, कंपाउंड आई भी हो सकती है। ठीक है, और स्टेटोसिस्ट भी दिया गया। तो स्टेटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम लोग सिलेंट डेटा के अंदर ये सब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को तो याद रखिए कि एनसीईआरटी में सिर्फ तीन ही सेंसरी ऑर्गन दिए गए हैं, एक एंटीनी, दूसरा आई, तीसरा स्टेटोसिस्ट। ठीक, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया मैंने सिर्फ वही लिया, एक भी एक्स्ट्रा नहीं किया। ठीक है, पहला एपिस, एपिस जो है ये जूलॉजिकल नेम है किसका, हनी बी का, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा ना मधुमक्खी, मधुमक्खी को ही हनी बी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एपिस है। ठीक है, फिर बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स होता है सिल्क वाम, यानी कि जो आपने जो ये होता नहीं है सिल्क वाम का मतलब होता है जो रेशम के कीड़े होते हैं उसी को सिल्क वाम बोलता है, और इसका जूलॉजिकल नेम होता है बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, लैसीफर, लैक इंसेक्ट, इसको हिंदी में भी लैक इंसेक्ट कहते हैं, और इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, लैसीफर है, याद रखिएगा, ये भी इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लिमुलस जो है आपने अभी हमने पढ़ाया, देखिए स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, लिमुलस ऐसे होगा लिमुलस, तो लिमुलस को किंग क्रैब भी कहते हैं। ठीक है, ये लिविंग फॉसल होता है। फिर आता मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर होता है, और मॉस्क्यूटो बहुत सारी इसकी स्पेसीज होती है। एक तो एनाफ्लीज, एनाफ्लीज की वजह से मलेरिया फैलता है, क्यूलेक्स है जिसकी वजह से क्या होता है फाइलेरिया फैलता है, एडीज जिसकी वजह से डेंगू फैलता है। ठीक है, तो ये मॉस्क्यूटो भी आपके जो आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। लोकस्टा यानी कि लोकस्ट, जिसको टिड्डा कहते हैं, टिड्डा आपने देखा ही होगा। तो ये सब एग्जांपल जो आपके ऑर्थोपोडा के, बहुत सारे और भी एग्जांपल है बट वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हमें सोचता ही जानना। ठीक है, फिर बात करते हैं, ऑर्थोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनेलिडा, ये बात तो हमने पता पढ़ ली कि जो एनिमेलिया फाइलम है सबसे बड़ा, एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। ठीक है, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थोपोडास, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी एनिमल हैं उसका 2/3 का मतलब समझते हैं ना, यानी कि पूरी पृथ्वी में जो एनिमल है ना उसको हमने मान लिया तीन। ठीक है, तीन मान लिया। अब इस तीन का जो दो भाग है ना वो पूरा का पूरा ऑर्थोपोडा है, और जो बाकी एक भाग है उसमें बाकी सारे फाइलम आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इसके तो लगभग 75% एनिमल जो हैं वो तो आपके ऑर्थोपोडा के आते हैं और 25% अदर फाइलम के आते हैं। ठीक है, ये इसमें कहना चाह रहा है। फिर बात करते हैं, द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोडा इज कवर्ड बाई काइटनस एक्सोस्केल्टन, यानी कि ऑर्थोपोडा की जो बॉडी होती है ना वो कवर्ड होती है किससे, एक्सोस्केल्टन से। स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल, एक्सो मतलब होता है बाहर, तो इनकी बॉडी जो होती है बाहर से कंकाल के द्वारा ढकी होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कंकाल तंत्र होते हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर होते हैं क्योंकि बाहर क्या मसल्स होती हैं, तो उसे कहते हैं एंडोस्केल्टन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, बट इनकी बॉडी के बाहर भी एक कंकाल होता है जिसको बोलते हैं एक्सोस्केल्टन, जो कि किसका बना होता है, काइटनस का बना होता है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, इनकी बॉडी में तीन पार्ट होते हैं, एक तो हेड होता है, दूसरा थोरेक्स होता है, तीसरा होता है एब्डोमेन। ठीक है, मैं डायग्राम में आपको समझा देती हूँ कैसे है। अब देखो ये है आपको स्ट्रक्चर, आपको ये दिख रहा होगा, ये हेड वाला पार्ट है, ये थोरेक्स है, और ये आपका है एब्डोमेन वाला पार्ट। ठीक है, तो ऑर्थ्रोपोड जो होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, किसमें किसमें, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं, दे हैव जॉइंटेड अपेंडिज, अब देखो अपेंडिजेस जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, कैसे पता चला, इनका नाम जो होता है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा को अगर दो शब्दों में तोड़ो तो क्या होगा, आर्थ्रोस एंड पॉड्स, आर्थ्रोड मतलब होता है जॉइंट और पॉड्स मतलब होता है अपेंडिजेस। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, इनके अपेंडिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, एक दूसरे से क्या जुड़े होते हैं, खंडों में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ इसको, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन से इंसेक्ट हैं, तो पहला तो एपिस है, हनी भी, इससे हमें शहद मिलता है, दूसरा बॉम्बक्स मोराई जिससे हम सिल्क वाम इसको कहते हैं, इससे हमें सिल्क मिलता है, और लैसीफर से हमें लैक मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैक्टर की, वैक्टर मतलब होता है वाहक,
यानी कि ऐसे भी कुछ ये ऑर्थोपोडा होते हैं जो बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। वाहक मतलब क्या होता है, जो एक बीमारी को दूसरे तक फैला दे। आपको पता होगा मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम का एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। लेकिन अब वो मनुष्य में कैसे आएगा, वो आता है मच्छर के द्वारा। तो मच्छर क्या कर रहा, बस बीमारी का जो मेन रीज़न होता ना उसको हम तक लाने का काम कर रहा, तो उसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक लाने का काम करता है, तो इस वजह से मच्छर को बोलते हैं वेक्टर। कौन कौन सा होता है, वो एनाफिलीज होता है। क्यूलेक्स क्या करता है, फाइलेरिया। फाइलेरिया की बीमारी फैलती किससे, बुचेरेरिया की वजह से। बुचेरेरिया क्या होता है, हेलमेंथीज होता है। अब हेलमेंथीज जो होता है मैं बॉडी तक कैसे पहुँचेगा, उसको पहुँचाता है क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स क्या हो गया, वेक्टर हो गया। उसी तरह एडीज होता है, एडीज क्या करता है, डेंगू जो वायरस की वजह से होता है, उस वायरस को हमारी बॉडी तक कौन लाता है, ये मॉस्किटो जिसका नाम है एडीज। जब ये सब हमको कट करेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, डेंगू वायरस आ जाता है और डेंगू हमें हो जाता है, ठीक है। तो ये वेक्टर की तरह काम करता है, ऐसे मक्खी भी होता है एक वेक्टर की तरह काम करती है, ठीक है। फिलहाल जो हमें एनसीईआरटी में दिया मैं बस वही बता रही हूँ आपको। फिर बात करेंगे लिविंग फॉसल की। लिविंग फॉसल कौन है, लिमुलस। देखिए यहाँ पर भी लिमुलस की स्पेलिंग गलत है, मैं इसको पहले सही कर देती हूँ, अब सही हो गया, ठीक है। लिमुलस, लिमुलस को क्या बोलते हैं, किंग क्रैब बोलते हैं। याद रखिएगा वो लिविंग फॉसल है, ये याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ इसको मेंशन किया गया है। फिर आता है ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब होता है जो ग्रुप में रहते हैं, यानी कि समूह में होते हैं, दल में पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ये टिड्डा है। लोकस्टा यानी कि लोकस्ट, जिसको टिड्डा कहते हैं। अब देखिए क्या होते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं और ये खेतों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है। ग्रुप में वैसे दीमक भी रहता है, आपने देखा होगा दीमक जो क्या होता है, लकड़ियों में, लकड़ियों को खा जाते हैं ना, ये भी होते हैं ग्रुप में, तो ये सब भी हो जाएंगे आपका। अभी देखिए एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में जो जो दिया गया, मैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पल लाई हूँ, किसी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लाई हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में बटरफ्लाई कहते हैं, फिलहाल तितली कहते हैं, हाँ। प्रॉन है, प्रॉन का मतलब क्या, झींगा मछली जो कि पानी में होता है। ये देखिए अब स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये अपेंडेजेस इसके ढेर सारे ना जुड़े हुए हैं, आप खंडों में टुकड़े में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हेड वाला पार्ट है, ये थोरक्स वाला पार्ट है, ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, ठीक है। ये स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू है, ये एब्डोमेन है, ये थोरक्स है और ये हेड वाला पार्ट, ठीक है। ये देखिए अपेंडेजेस सारे ढेर सारे लाइन से यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें भी टेंटिकल्स होते हैं, ये देखिए टेंटिकल्स इसके क्या एंटेनी निकले हुए हैं ना, एंटेनी यही है, ये भी एंटेनी इसमें पाई जाता है, ये भी इसके एंटेनी है। ये बटरफ्लाई है आपका होगा, ये लोकस्ट यानी कि टिड्डा है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में जो एग्जांपल दिए, मतलब मेरे ख्याल से जितना भी एनसीईआरटी में सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कहीं भी कुछ पॉइंट लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी टॉपिक मुझसे बायो का पढ़ना चाहते हैं और आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उसको भी कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं उस लेवल का, क्योंकि हर पेपर का लेवल अलग होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में भले बायोलॉजी पढ़ा दे रही हूँ आपको, बट लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाओ तो ज़्यादा सही रहता है, पढ़ाई में आसानी होती है। क्योंकि रीट में इसमें क्या होता है, नीट में जो होता है 12th तक लेवल तक ही एनसीईआरटी से आता, तो मैं वहीं तक ही पढ़ा रही हूँ। अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसको प्लीज़ सब्जेक्ट के साथ मेंशन जरूर करिएगा कि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन देख करके और उसका लेवल देख कर ही आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते मेरी वीडियो में कुछ सुधार हो सके तो उसको भी जरूर कॉमेंट करिए, मैं उसको भी सुधार करूँगी, ठीक है। थैंक यू।